तरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी। ताली माता बहनों को भी बजानी है भजन में। कैसे चले शंकर भगवान जी? दरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी, दरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी, दरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी। ले पालना झूला झूले, ले पालना झूला झूले, मन मदन मुरारी, दरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी, दरस को चाल पड़े शिव भोले भंडारी।
जाऊंगा, मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी महाराज फैसला कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी महाराज ने शंकर जी भगवान को अपने दर्शन देने के लिए क्या लीला फैलाई, कैसे बोला दोनों की हट देख के कान्हा, दोनों की हट देख के कान्हा, मंद मंद मुस्काए, दोनों की हट देख के कान्हा, मंद मंद मुस्काए, लीला रची शाम ने देखो रो रो के चिल्लाए, लीला रची शाम ने देखो रो रो के चिल्लाए। पहले तो कृष्ण जी महाराज हंस रहे थे, फिर अपने दर्शन देने के लिए रोना शुरू कर दिया, और माता यशोदा लाख जतन माता ने कर लिए वो चुप हो ना पाए, लाख जतन माता ने कर लिए वो चुप हो ना पाए। कभी कृष्ण जी महाराज को इधर ले जाती है मैया अपनी गोदी में, कभी उधर ले जाती है। बच्चा कितना भी रो रहा हो, माँ की गोद में आते ही उसका सुकून वो महसूस होता है कि वो चुप हो जाता है, बिल्कुल रोना बंद कर देता है। मैया यशोदा कभी इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, लेकिन कृष्ण जी महाराज चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अभी सुन भी रहे थे कि लाख जतन माता ने कर लिए वो चुप हो ना पाए, फिर क्या हुआ, शिव बोले ये चुप ना होंगे मुझको बिना दिखाए, शिव बोले ये चुप ना होंगे मुझको बिना दिखाए। कह दिया मैया या तो इस बच्चे के दर्शन मुझे करवा दे, वरना बच्चा तेरा, तू कितना भी इसे चुप कर ले चुप होने वाला नहीं। फिर मैया यशोदा समझ गई कि ये जो बाबा जी आया कोई करामाती बाबा है, ये कोई सामान्य बाबा नहीं है, इसलिए इसी ने कोई ऐसा किया है कुछ कि जो तेरे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। फिर अपने बच्चे को चुप करने के लिए मैया ने क्या किया, कान्हा को माता ले आई शिव ने दर्शन पाए, कान्हा को माता ले आई शिव ने दर्शन पाए, कान्हा को माता ले आई शिव ने दर्शन पाए, कान्हा को माता ले आई शिव ने दर्शन पाए। शंकर भगवान जी महाराज दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, जान पड़े शिव भोले भंडारी दर्शन को जान।